बिल्डिंग विद ब्रिक्स में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। बिल्डिंग ब्रिक्स की साइज के बारे में सीखा है, ब्रिक्स कैसे बनती है वो सब सीखा है। तो नाउ कंटिन्यू अवर लेसन, यहाँ से मैं रीड करना स्टार्ट करूंगी। वॉल दैट विल नॉट फॉल। वन डे मुनिया एंड ज़ैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। तो मुनिया एंड ज़ैनब है वो ब्रिक से खेल रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिक से एक वॉल बनाई। तो ज़ैनब ने जो वॉल बनाई वो ऐसी थी और मुनिया ने जो वॉल बनाई वो ऐसी थी। ये ज़ैनब की वॉल है, ज़ैनब एंड ये मुनिया ने बनाई। तो ये दोनों वॉल जो बनाई है ज़ैनब, हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। मेंशंस टू डू नॉट पुट ब्रिक्स ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स एज मुनिया हैज डन। तो ज़ैनब क्या कह रहा है कि उसकी वॉल जो है वो इजीली टूट नहीं सकती है, क्योंकि मेसन्स जो आर्किटेक्ट होते हैं वो किस तरह से ब्रिक को बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक को कैसे रखते हैं और कैसे बिल्ड करते हैं, तो ब्रिक इस तरह से रखते हैं जिसकी वजह से एक ब्रिक दूसरी ब्रिक का सपोर्ट बन जाती है। तो इसी वजह से ये इजीली टूट नहीं सकती है, जबकि मुनिया की जो ब्रिक है उसने एक के ऊपर एक रख दी है, तो जो एक इजीली टूट सकती है क्योंकि वो नीचे की ब्रिक्स है उसके ऊपर सारी ब्रिक्स का वजन आ जाता है जिसकी वजह से वो इजीली टूट सकती है। लेकिन ये जो ब्रिक इस पैटर्न से इस तरह से अगर बिल्ड करेंगे तो ब्रिक्स वॉल टूट नहीं सकती है। व्हाट डू यू थिंक व्हिच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। आपको क्या लगता है कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये वॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ डिफरेंट वॉल पैटर्न, यहाँ पे आपको इस बुक में वॉल की अलग अलग पैटर्न दी हुई है जो आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। फिर लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, यहाँ पे ब्रिक की जाली पैटर्न सीधी सीधी वॉल बन जाती है, वॉल के अंदर जो होते हैं वो जाली नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो बाहर का पोर्शन होता है जो गैलरीज होती है उसके अंदर अलग अलग डिजाइन से जाली बन सकती है और बना देते हैं मेसन लोग। तो वो किस तरह से बनती है, जैसे ये पूरी वॉल है तो वॉल के अंदर क्या करते थे कि बीच बीच का पोर्शन छोड़ देते थे, वहाँ यहाँ पे ब्रिक नहीं रखते हैं और यहाँ पे ब्रिक रखे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो खाली रहता है जिसकी वजह से जाली जैसी डिजाइन बनती है। यहाँ पे दी हुई है जाली की पैटर्न, दो तीन पैटर्न दी हुई है। द मेसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन दिस वॉल। तो जो जागृति स्कूल के जो मेसन्स हैं वो लोग भी ये अलग अलग टाइप की पैटर्न देख के फिर वो अपनी स्कूल में इसी तरह की जाली पैटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज अ ड्रॉइंग ऑफ अदर ब्यूटीफुल जाली, यहाँ पे एक दूसरी जाली की पैटर्न दी हुई है। आपको होमवर्क में अगर आपको टेक्स्ट बुक मिल गई है तो इसी बुक में आपको जाली की पैटर्न ड्रॉ करनी है, अदरवाइज आपको नॉट बुक में जाली पैटर्न ड्रॉ करनी है। यहाँ पे कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। यहाँ पे झरोखा मतलब जो एंट्रेंस होता है हमारा गेट होता है वो होता है झरोखा, तो वो एंट्रेंस जो होता है वो भी अलग, जैसे नॉर्मली स्कूल में या हमारे घर में डोर होता है वो सीधा सा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ जागृति स्कूल के जो मेसन है उनको कुछ डिफरेंट करना था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया झरोखा पैटर्न की है। जो एंट्रेंस है एंट्रेंस में भी एक अच्छी सी पैटर्न रखी है, तो जो एंट्रेंस है वो सीधा इस तरह का गेट नहीं बना दिया है बल्कि उसे अच्छे से पैटर्न किया इस तरह से। तो कितना अच्छा लगता है कि एंट्रेंस इतना बढ़िया हो, गेट बड़ा सा हो एंट्रेंस, तो इस तरह की पैटर्न वाले जो एंट्रेंस होते हैं जो गेट होते हैं उसे क्या कहते हैं झरोखा। तो आपको इसमें भी यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको खुद अपने आप एक झरोखा पैटर्न
ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पेज, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। यहाँ पे इतनी बढ़िया पैटर्न है ब्रिक की, वो कहाँ की है, तो केरला की एक लाइब्रेरी की पैटर्न है। तो हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी हो। इस तरह की इतनी अच्छी पैटर्न है कि आप देखते रह जाओगे कि ये तो सारी बुक्स रखी हुई है। वैसे ही दूसरा हमें ट्राइंगल शेप, ब्रिक जो होती है वो रेक्टेंगल क्यूबॉइड शेप की होती है, लेकिन आपने कभी ट्राइंगल शेप में ब्रिक रखी हुई देखी है तो देखी ही होगी। कहाँ पर देखी है, तो वो गार्डन में या फिर हमारे घर में भी, अगर हम लोग कोई प्लांट बना रहे हैं या छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम जो ब्रिक्स है तो वो किस तरह से रखते हैं, तो ये है नीचे का पोर्शन, तो हम ब्रिक को इस तरह से रखते हैं। तो क्या लगता है कि ट्राइंगल शेप रखते हैं ब्रिक्स, आधी अंदर चली जाती है तो जिसकी वजह से हमें ये ट्राइंगल शेप दिखता है। तो ये ब्रिक की पैटर्न होती है, ब्रिक के मतलब ब्रिक तो पूरी जैसी है वैसी है, लेकिन उसको हाफ कट करके ट्राइंगल शेप में इस तरह से आपको पिक्चर में दिया था, आप देख सकते हो। और आपने देखी भी होगी क्योंकि गार्डन में भी इसी तरह से रखी हुई होती है, और आपके घर में अगर गार्डन होगा तो आपके पेरेंट्स ने भी इसी तरह से ब्रिक्स को रखी होगी। डू यू सी दिस आर्च इन दिस फोटोज, दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। यहाँ पे आर्च, आर्च मीन्स हमारा नॉर्मल सा विंडो होता है या नॉर्मल से जो डोर होता है उसके ऊपर जो राउंड शेप का होता है वो होता है आर्च। नॉर्मल सीधा सीधा सा होता है, लेकिन यहाँ पे जो आर्च बनाए हुए है, यहाँ पे आप देख सकते हो जाली है, और जाली के ऊपर का जो यहाँ जाली के ऊपर का जो पोर्शन है वो ऐसे हाफ सर्कल शेप में होता है, और इस तरह से ब्रिक को रख के बनाया हुआ होता है वो होता है आर्च। जो फैजाबाद की स्कूल में इस तरह की पैटर्न बनाई हुई है। और स्पेशियल आर्च, स्पेशियल आर्च कैसे होते हैं, इन दिस फोटो फॉर्म आर और जब सी हाउ द आर्च इज मेड, इट हैज अ नाइस मैन घूंघट वाली मेहरा। मतलब ये सारी पैटर्न हमें देखने को मिलेगी राजस्थान या इस जगह पे, तो ये सारी जो पैटर्न होती है वो तो उसके लिए उन लोगों ने, वैसे हम आर्च बोलते हैं लेकिन उसके लिए वहाँ के लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, तो इस तरह का पूरा जो गेट होता है घर का या फिर कोई भी गेट घर का हो या किसी और प्लेस का, तो वहाँ पे उन लोगों ने इस तरह के आर्च बनाए हुए हैं। तो ये किस टाइप का हमें लगता है, यहाँ पे सारी ब्रिक की ही पैटर्न है, ये जो सारे ब्रिक लगाई हुई है, लेकिन ये जो शेप है ऐसा है जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको नाम दिया है घूंघट वाली मेहरा। तो इस तरह की डिजाइन होती है, इस तरह की पैटर्न होती है, इसलिए वहाँ पे उसे बोलते हैं घूंघट वाली मेहरा, तो आपको फोटो में एकदम अच्छे से दिखेगा। इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, तो इसकी देखो विंडो की जाली पैटर्न है वो भी एकदम ब्यूटीफुल है। जबकि अब इस टाइम में हम लोग आयरन की मेटल की जालियाँ बनाते हैं विंडो के ऊपर, या फिर हम हमारे गैलरी में विंडो जाली रखते हैं, तो वो जो होती है वो इस तरह की ब्रिक की जाली नहीं होती है। तो ये सारी जो पैटर्न दी हुई है वो सारी ब्रिक से बनाई हुई है। यहाँ पे जमाल एन कालू जो जागृति स्कूल के मेसन है वो बात कर रहे हैं, जमाल एन कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट हियर ग्रैंडफादर यूज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स, सम ऑफ दीज आर शो इन दिस फोटो। तो पहले हमने जो ब्रिक देखी है वो सिंपल सी एक टाइप की ब्रिक देखी है, और अभी जो आते हैं ब्लॉक्स आते हैं सीमेंट के वो थोड़े अलग अलग पैटर्न के होते हैं, लेकिन तब के ज़माने में भी क्ले से बनी हुई इसी तरह की अलग अलग पैटर्न वाली ब्रिक्स होती थी। तो कालू के ग्रैंडफादर के टाइम में वो लोग इस तरह की ब्रिक्स यूज करते थे, जो हाइट जिसकी हाइट जैसे नॉर्मल हमने इतनी हाइट देखी है
टाइप की ब्रिज। यहाँ पे मैंने यस्टरडे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज फाइंड करनी है, आपके आसपास अगर कोई ब्रिज पड़ी है तो स्केल के लिए स्केल को लेके आप मेजरमेंट करो और वो उसकी हाइट और उसके वाइड और लॉन्ग कितनी है वो आपको फाइंड करना था। तो आप फाइंड की वो किया है या नहीं वो आप मैं आपको बता देती हूँ। तो हाउ लॉन्ग इज इट, ब्रिज की हाइट क्या होती है, हाउ लॉन्ग इज इट, तो उसकी हाइट अगर हम सेंटीमीटर से ही करेंगे जो आपको नॉर्मल समझ में आ जाए, मिलीमीटर से भी कर सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर से करते हैं। तो सेंटीमीटर से कितनी आए, तो आई थिंक 90 सेंटीमीटर, 90 to 20 हो सकता है। फिर हाउ वाइड इज इट, हाउ वाइड इज इट, तो वाइड कितनी होती है, तो मिनिमम 7 सेंटीमीटर। फिर हाउ हाई इज इट, तो ये 7 नहीं, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि ये वाइड है, और हाइट कितनी होती है तो मिनिमम 7 सेंटीमीटर होती है। ये अकॉर्डिंग टू मी है, मेरे अकॉर्डिंग टू इतनी हाइट होती है और इतनी होती ही है, लेकिन दूसरी भी अलग अलग पैटर्न होती है तो उसकी हाइट लॉन्ग उसकी साइज चेंज हो जाएगी। ये मेरे अकॉर्डिंग हाउ लॉन्ग इज इट तो 90 सेंटीमीटर, हाउ वाइड इज इट तो 9 सेंटीमीटर, एंड हाउ हाई इज इट तो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ब्रिज एंड ब्रेक, हॉट एंड फ्रेश। ब्रिज कैसे बनती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। गणेश एंड साहिबा लिव नियर नील वेर ब्रिज आर मेड। कील मतलब, कील मतलब भट्टी जो होती है जिसमें ब्रिज ब्रिज को बनाया जाता है, उसको कैसे बनाते हैं तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पे बुक में दी गई है। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर, तो ये जो चिमनी होती है क्योंकि जो ब्रिज बनती है तो बहुत सारा टाइम लगता है उसमें से, और वो सारा कचरा डाल के उसके ऊपर पकाया जाता है ब्रिज को, तो जो धुआं निकलता है वो नॉर्मल सारे एरिया में फैल ना जाए इसलिए ये चिमनी बनाई हुई होती है। तो वो चिमनी से धुआं सीधा ऊपर निकल जाता है, तो आजू बाजू वाले नॉर्मल आजू बाजू वाले लोगों को वो धुएं से परेशानी ना हो इसलिए ये चिमनी होती है। तो चिमनी कितने में कितनी हाइट की हो सकती है आप गैस कर सकते हो, तो यहाँ पे अबाउट 50 मीटर। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिज इन द लॉन लॉन्ग लाइन कैप आउट टू ड्राई, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिज आर मेड। तो गणेश और साहिबा है उसको ब्रिज देखने को, ब्रिज कैसे बनाते हैं वो देखने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे सारी ब्रिज कैसे बनाती है वो प्रोसेस पिक्चर दी हुई है। तो उसमें से फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, तो पहले तो सारी सॉइल मिट्टी निकालेंगे, उसका क्ले बनाएंगे, फिर क्ले प्रॉपर बन जाने के बाद उसको इस तरह से मोल्ड में क्ले को डाला जाएगा, उसको एकदम अच्छे से तरीके से फिट किया जाएगा, फिर वो पूरी इस तरह की डिज़ाइन बन के निकल आती है। फिर वो उसको थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसे भट्टी में चिमनी डाल के सेका जाता है, तब वो प्रॉपर ब्रिज बन जाती है। हैव यू सीन अ ब्रिज नील, डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिज कैप देयर, देयर आर मैनी ब्रिज किल इन इंडिया, थाउजेंड ऑफ देम। तो आपने देखी है इस तरह की किल, देखी होगी अगर हमारे आसपास के एरिया में नहीं है तो कहीं हम घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े एरिया में बीच में हमने कहीं ना कहीं तो इस तरह की प्रोसेस होते हुए देखा है, नज़दीक से नहीं देखा है लेकिन दूर से तो देखा ही होता है। तो वो कितनी इस टाइप की किल है, तो वो थाउजेंड ऑफ देम, मोर देन 100,000,
Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of lakh. Find out. यहाँ पे अभी हमें थोड़े सम्स करने हैं, तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. लेकिन इस लेसन में जितना था मैंने दिखा दिया. ब्रिक्स की पैटर्न, ब्रिक्स जागृति स्कूल के मेसन ने जो अलग अलग पैटर्न बनाया सोचा, और फिर उन लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके डिजाइन देखी, जाली पैटर्न देखी, जरूर खास देखे, आर्ट देखे, तो वो सारे देखने के बाद उन लोगों ने स्कूल बनाए. अभी मैंने कल 2 सम्स कराए थे अगले पीरियड में, तो वही अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सम्स में स्टार्ट करती हूँ. तो यहाँ पे मेटल मेटल मैथ वजन बाय ब्रिक्स. अभी सब बनाना है हमें, तो ब्रिक्स को बाय करना पड़ेगा. तो यहाँ पे वजन जो है वो ब्रिक्स बाय करने चाहता है, और ब्रिक्स बाय करने के लिए यहाँ पे पूरा प्राइस लिस्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सम्स करने हैं. तो यहाँ पे मैं पहले तो एक प्राइस लिस्ट लिख देती हूँ. तो जो ओल्ड ब्रिक है, ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस है ₹1,200 फॉर 100 ब्रिक्स, और 1000 ब्रिक्स. फिर ये 1 नंबर है, फिर 2nd नंबर है न्यू ब्रिक फ्रॉम न्यू ब्रिक फ्रॉम इंदा कू. तो वहां वो वाली जो ब्रिक ओल्ड ब्रिक है उसका प्राइस है, उसकी प्राइस है 1200 फ्रॉम फॉर 1000 ब्रिक्स, जबकि न्यू ब्रिक्स फ्रॉम कीतापुर है तो वहाँ की प्राइस है ₹1800 फॉर 1000 ब्रिक. और तीसरी है न्यू ब्रिक फ्रॉम मुरादाबाद, really?
वजन की साइड, ये जो है 1, 2 और 3, ये जो है वो क्या है, प्राइस लिस्ट है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन में प्राइस हमको नहीं दी है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि वजन की साइड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम फरीदाबाद, ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे। तो हमें अभी फाइंड करना है कि फरीदाबाद की ब्रिक का प्राइस क्या है। फरीदाबाद ये रहा, तो फरीदाबाद की ब्रिक का प्राइस है 2000, लेकिन कितनी ब्रिक का 2000 है, तो 1000 ब्रिक का। तो यहाँ पे हमें पूरी मेथड करनी है। इफ जैसे कल हमने किया था, 1 ब्रिक की प्राइस हमें पता थी, इसलिए हमने 1 ब्रिक लिखा कि इफ 1 ब्रिक कॉस्ट इज ₹5, तो 300 ब्रिक कॉस्ट इज क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें 1000 के अकॉर्डिंग करना है, तो हम सीधा कर सकते हैं कि इफ 1000
अलग से करने की जरूरत नहीं है।
by 5 जो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे आगे के समय मैंने समझाया कि 2 3 6 कर दो और पीछे के 3 3 0 हम रख देंगे, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 120 × 5 तो करो 5 × 0 तो आएगा 0, 5 × 2 = 10 तो आएगा 0 और 10 का 1 ऊपर होगा कैरी। 5 × 5 हुआ, लेकिन ये हमें प्लस करना नहीं भूलना है, तो 5 × 5 + 1 तो 6। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा 600, मतलब उसने जो 1000 पूरी की कॉस्ट है 1200, लेकिन हमें आधी ही लेनी है, पूरी 1000 पीस नहीं लेनी है, तो हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, तो रुपीस 6000। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो कि हैज टू पे रुपीस 6000 for 500, sorry 600 for 500 bricks. Okay, I repeat again. What he will pay if he buy 500 old bricks? यहाँ पे है हमारे पास प्राइस लिस्ट, उसमें से देख के हमने ये करा है। तो एक 1000 bricks cost इक्वल टू इज 1200, तो 500 bricks cost इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 1000 जो ये वाला है वो नीचे जाए, तो इसके 0 0 हमने कट कर दिए, उसमें से जो लेफ्ट रहे नंबर 120 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 1, इसको इस तरह से साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिलेगा 600। फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखो ही हैज टू पे रुपीज 600 और 500 ब्रेक्स। नाउ लास्ट सम मैं करा देती हूँ, right, guys.
1800 multiply 2. 2 into 0, 0, 2 into 0, 0, 2 8 the 16 the 6 niche, 1 upar carry hoga, 2 1 the 2 plus 1, so 3. The answer kya aya? 3600. Yahan pe statement likh do. So he has to pay, he has to pay rupees 3600 for kitne bricks kharide usne, so 2000 bricks. तो ये मैंने तीन थ्री साउंड्स करा दिए आपको. आई होप आपने एंजॉय किया होगा और ये इसी तरह से हमें साउंड्स आगे भी करते जाने हैं. नेक्स्ट पीरियड में मैं नंबर्स के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में समझाऊंगी. ये लेसन हमारा